रुकावट से हो तंग प्रिय तो कर लो ऐप चेंज प्रिय। देख बिना ब्रेक, डाउनलोड तक ऐप। एक तरफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली प्रचंड ठंड की चपेट में है, वहीं प्रशासन की लापरवाही से हरिनगर इलाके में दर्जनों को खुले आसमान में छिछुरने को मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल बीते लंबे समय से पीर बाबा के मजार पर दर्जनों लोग अपने परिवार के साथ रह रहे थे, लेकिन एसडीएम के आदेश के बाद मजार को सील कर दिया गया। कहीं भी जगह ना, कहीं भी जो चले जाएंगे, कहीं मेरा बच्चा रात दिन का हो रहा मरने को, बिल्कुल फेंक गए निकाल के, गाड़ी ले आए अस्पताल में फेंकने को, मैंने मना कर दी कि मैं ना भेजूंगी, तो मैं हमारी जगह खुलवा दूँ, बस हमारे बच्चे मरेगा। माता जी कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? उम्र देख लो मेरी, मैं 15-16 साल की जब मैं यहाँ आई, उससे पहले हमारी सास रह गई और मुझे इतनी उम्र ही आई है बस। इस बीच में कभी कोई नहीं आया कि नहीं, हमारी जमीन है? नहीं कोई नहीं आया, जब से कोई ना आया ये अब आने को शुरू हुआ, नहीं कोई भी ना आया हमारे। अब इतनी ठंड में 3 दिन से कैसे रह रहे हो आप लोग? कैसे रह रहे, बच्चों को रो रहे, बैठा आप चलो पीछे कॉलोनी वाले हमें कंबल दे दे, पूरी पूरी रात ऐसी चले गए, खाना दे रहे, कंबल दे के जावे, कोई चाय दे जा, कोई रोटी दे जा, कोई चाय दे जा, तो हम कहां चला, हम पड़े तो हम बाहर है। हमारे बच्चों के कपड़े अंदर लगे, कोई अभी देख गया कि इनको बिना हो सारी पता ही नहीं कौन सा सामान कहाँ पे है। सारी बाबू मेरी फ्लैटों में काम कर रहे हैं, दो बच्चे रहे, छह में दो बच्चे रहे। काम करने वाली लेडीज है जिनके सर पे दो आदमी के सहारे भी नहीं है, दो जने ऐसी लेडीज है, किसी के जवान बेटे हैं, किसी के छोटे छोटे बच्चे, वो काम करके खिला रही है। इसके कारण बीते 3 दिनों से अलग अलग परिवार के 40 लोग हड्डियां कपाने वाली इस ठंड में ठिठुरने को मजबूर है। इन परिवारों में कई छोटे बच्चे भी शामिल हैं, जो खुले आसमान में इस ठंड का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि मजार की जमीन पर वक्फ बोर्ड की दावेदारी है। हालांकि लोगों का कहना है कि बीते 4 दशक से वे लोग यहां रह रहे हैं, लेकिन अब अचानक उन्हें यहां से हटाया जा रहा है। वहीं पीड़ितों के वकील का कहना है कि कोर्ट ने 4 महीने का वक्त दिया था, लेकिन ये उस 4 महीने में कार्रवाई के लिए नहीं आए और अब इतनी सर्दी में आकर इन लोगों का आशियाना छीन लिया, वो भी ऐसे समय जब कोर्ट में छुट्टी है। नोटिस मिला तो नोटिस पे एसडीएम महोदय ने हमें सिर्फ 30-12 एक दिन का समय दिया था कि 30-12 को खाली कराने के लिए आ रहे हैं। उससे पहले हमें इनको कोई इसी तरह का कानूनी नोटिस नहीं दिया गया कि खाली कराने के लिए। हमने तुरंत इसके बारे में 28-12 को ही एसडीएम साहब को एक लेटर दिया, जिसके जरिए से उनसे निवेदन किया कि आप इस कार्रवाई को रोकें और हमें इस बात को आगे हाईकोर्ट के सामने रखने की इजाज़त है, ताकि अभी हाईकोर्ट बंद चल रहा है। लेकिन 30 जब उन्होंने इस बात को हमारे एप्लीकेशन को बारे में विचार नहीं किया, तो हमने 30-12 को जाके हाईकोर्ट में मेंशन किया, रजिस्ट्रार हाईकोर्ट को, रजिस्ट्रार हाईकोर्ट ने हमें अलाउ किया, हमने अलाउ की कॉपी उनको एसडीएम साहब को भेजी उनके व्हाट्सएप नंबर पे कि आप अभी कार्रवाई को रोकें और आगे कार्रवाई ना करें, पर उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ करने के बाद कार्रवाई को अंजाम दे दिया। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर जगह खाली ही करानी थी तो इतनी भयंकर सर्दी में ही एजेंसी को सीलिंग की याद क्यों आई? अब छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बीमार, महिलाएं सब मजबूर है सर्द रात में सड़क किनारे सोने को। वैसे अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि, स्थानीय सांसद, विधायक या पार्षद कोई भी इनकी मदद को आगे नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली तक।